दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय मैक्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स। जोनल अस्पताल मंडी में मरीज और तीमारदार लैब टेस्ट करवाने के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। आलम यह है कि पूरा दिन बीत जाने के बाद भी मरीजों के टेस्ट नहीं हो रहे हैं। यदि कुछ टेस्ट हो भी रहे हैं तो उनकी रिपोर्ट 3 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिल रही है। अस्पताल में रोजाना 800 से 1000 मरीजों की ओपीडी होती है। इनमें से 400 से 500 मरीज सरकारी लैब में टेस्ट करवाते हैं, लेकिन अस्पताल की मशीनें पिछले 2 महीने से बंद पड़ी हैं। दूसरी ओर करसना डायग्नोस्टिक लैब में सर्वर डाउन होने से भी दिक्कत आ रही है। अस्पताल के एमएस डॉक्टर धर्म सिंह वर्मा ने बताया कि करसना लैब में सर्वर डाउन होने से मरीजों व तीमारदारों को दिक्कत आ रही है। सरकारी लैब की जो मशीनें खराब चल रही हैं, उनकी शिकायत नेक्स्ट जेन मेडिकल डिवाइस को भेज दी गई है। और मुझे हार्ट में प्रॉब्लम बताइए तो मैं कल से आ रही हूँ, कल से भूखी हूँ और मैंने कुछ खाया भी नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि सुबह से टेस्ट करवा रहे हैं, कल से बोल रहे हैं टेस्ट करवा रहे हैं और करवा नहीं रहे। और अभी मुझे पेन हो रहा है, तब भी नहीं समझ रहे हैं, कोई सुन भी नहीं रहा है। सर मेरी माँ कल से बीमार है, कल रात को भी हम अपनी माँ को यहाँ लाए थे तो कल रात को इन्होंने बोला कि टेस्ट करवा लेना, तो कल शाम को बोला कि टेस्ट करवाने भूखे पेट करवाना, कल सुबह जाना। सर जब हम कल सुबह आज सुबह आए हम यहाँ टेस्ट करवाने तो उन्होंने बोला कि हमारी जो है सर्वर डाउन है, नेट नहीं चल रहा है। 2-3 दिन से ये ड्रामा हो गया और पेशेंट भी है यहाँ पे जिन्होंने यही बताया कि कल भी नहीं इनका नेट चला था और आज भी नहीं नेट चल रहा है। तो सर मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इनका नेट चलेगा कब, जब पेशेंट अगले मतलब कुछ अगर होनी हो जाए तब चलेगा इनका नेट। सर इसके बारे में तो अब कुछ आगे करना पड़ेगा। और जब हम यहाँ आए सर से बात करने के लिए तो ऑफिस जाने के लिए मना कर रहे हैं और सर भी हमारे साथ बात नहीं कर रहे, ये बहुत गलत बात है सर। इनको आगे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। 3-4 दिनों से कृष्णा लैब में टेस्ट कराने के लिए गया तो वहाँ पे टेस्ट कर दिए उन्होंने, फिर जो रिपोर्ट ले रहे थे वो बोलते 3-4 दिनों से रिपोर्ट आपकी आएगी, कल आ जाना। फिर बोलते सुबह 10 बजे आ जाना, फिर 10 बजे आते बोलते 2 बजे आ जाना। तो ऐसा क्या ड्रामा चला हुआ है यहाँ पे? क्या मंडी शहर में कोई जो भी इनका जो सिस्टम ठीक करने वाले क्या ठीक नहीं यहाँ पे आते नहीं, वो ठीक नहीं होता है अंदर जाना? या तो इनका कमीशन का है, एक दिन बोल रहे थे कुछ भाई कि कमीशन नहीं मिलती या कुछ ऐसा फंडा हो सकता है इनका, तो करके मतलब सारे इतने जो पेशेंट आए हो सारे देखो मरीज, एक लड़की देखो चक्कर आके पड़ गई है, तो बोलते हैं इनकी रिपोर्ट ही नहीं है कि तब तक तो डॉक्टर ठीक नहीं करेगा। तो फिर हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? हम जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं आप बाहर रुको, डॉक्टर के पास जाना, वहाँ पर बोलते हो रिपोर्ट लाओ, तो फिर हम क्या करें आप बताएँ? अभी हमारे यहाँ ZH मंडी में एक तो हमारी सरकारी लैब काम कर रही है जिसमें कि हमारी जो है 2 मशीनें ख़राब चल रही हैं, उसकी कंप्लेंट हमने नेक्स्ट जेन मेडिकल डिवाइसेस को लॉन्च कर दी है। जो हेमेटोलॉजी एनालाइज़र है और बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र है उसमें दिक्कत है, उसकी कंप्लेंट ऑलरेडी लॉज्ड है और इंजीनियर उसको विजिट कर रहे हैं, उसमें कोई पार्ट डालना है तो जैसे वो ठीक होगा तो वो टेस्ट हम कर पाएंगे। एट प्रेजेंट अभी हम जो हैं हॉर्मोन्स जो हैं वो कर रहे हैं जनरल लैब में, जो कि हमारा टाइम 9 से 12 बजे तक है। और दूसरा जो एक PPP मोड में कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की जो लैब है वो जोनल हॉस्पिटल मंडी में कार्यरत है, वो जो है 12 बजे से लेकर के अगले दिन 9 बजे तक जो है वो सैंपल लेते हैं और उसकी रिपोर्ट्स देते हैं। कुछ टेस्ट की रिपोर्ट्स तो उसी दिन आ जाती है 3-4 घंटे के अंतराल के बाद जो उनका टर्न अराउंड टाइम है, और कुछ टेस्ट जो हैं उसकी जो सैंपल्स हैं वो नेरचौक मेडिकल कॉलेज भेजे जाते हैं और उनकी रिपोर्ट जो है नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन जो है वो रिसीव हो पाती है। अभी जो मैंने इनसे बात की कृष्णा लैब वालों से, नेरचौक भी बात की और यहाँ जो लैब इंचार्ज हैं मिस्टर बलदेव उनसे भी बात की, उन्होंने बताया कि पिछले कल जो इनकी वायर केबल जो है इंटरनेट केबल है उसको मेरे ख्याल से उस बंदरों ने जो है उसको डिसरप्ट कर दिया था, तो उसको ठीक करवा रहे हैं, उनके बंदे आए हुए हैं और जैसे वो ठीक होगा तो ये व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01892264713 पर।